Hi children, hello, how are you all? Hope आप लोग सब बहुत fine होंगे ना? Yes, all fine ना? Yes, very good student, होना भी चाहिए fine. हम लोग पिछले 3 to 4 months ना? Yes, we were spent our time at home from last 3 to 2 months, I think March महीने से, right? Okay बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मम्मा पापा के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे आप लोग से बहुत खुश होंगे. स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक्चुअली अभी क्या है ना, बहुत खराब मतलब एटमोसफियर है बाहर, मतलब बहुत चल रहा है सब, बीमारी वगैरह बहुत डिजीज वगैरह से बहुत फैल रहे हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप लोग को सबको अपनी हेल्थ है ना बहुत स्ट्रांग बना के रखनी है. ओके देखो बेटा, आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो फिर पेट में गड़बड़ हो जाएगी, हमारा हेल्थ बिगड़ जाएगा, फिर मम्मी पापा को हम लोग को डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाना पड़ेगा. ओके और घर पे भी हम लोग वैसे भी बहुत सेफ हैं, राइट? आप लोगों को पता है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो गवर्नमेंट है और भी मतलब मम्मी पापा भी हम लोग को बोलते हैं अभी ये कोरोना नहीं, ये सब चल रहा है, क्या पता कहाँ से आ गया ना कोरोना. ओके forget that all things students, now come back. First of all I'm giving you my introduction. Okay, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ. myself Vijay sir. Yes students, मेरा नाम Vijay sir है. And students I will teach you in mathematics subject. कितना superb name है ना students, math magic, यानी mathematics के अंदर कुछ magic करना है, right? हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें ना उसके पहले हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या क्या लर्न किए थे वो आप लोगों को सबको रिवाइज कर देना है, ठीक है? आप लोगों को टेबल्स वगैरह भी आता होगा, फिर कुछ सम्स वगैरह भी मतलब आप लोग देखना तो मतलब थोड़ा रिवाइज करना है, राइट? स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स है. मैथ मैजिक जो सब्जेक्ट है ना उसमें टोटल कितने चैप्टर्स है? 14. यस 14 चैप्टर्स है. हम लोग उसको वन बाय वन लर्न करेंगे. ओके मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले स्टूडेंट्स आप लोग को कुछ दिखाता हूँ. ओके आई विल शो यू समथिंग. सी सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, मैंने आपको पहले बताया ना सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैथ मैजिक. ये स्टूडेंट्स क्या नाम है? मैथ मैजिक. तो कुछ तो मैजिक है ये सब्जेक्ट के अंदर और आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं सेकंड स्टैंडर्ड, सब टीचर ने बताया होगा, राइट? अब सर बताएंगे. यस तो स्टूडेंट्स आप लोग सब अच्छी तरह बैठ गए हो ना. ओके ठीक से मोबाइल वगैरह आपके हाथ में है ना. ओके और देखो बच्चों मम्मी पापा को परेशान भी. हाँ बच्चों मुझे एक बात याद आई. एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक वीडियो देखा था. आप लोग तो बहुत अच्छे हो. यस हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं. सो स्टूडेंट्स मुझे आप लोग से एक बात करनी थी. एक्चुअली मैंने कल वो वीडियो देखा ना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके कुछ आप लोग की एज के होंगे, आई थिंक थर्ड फोर्थ में वो बच्चा पढ़ता होगा. तो उसने अपने पापा को बोला, पापा मेरी ऑनलाइन क्लास चालू है. और ऐसे करके उसने मोबाइल लिया. पापा ने बोला ठीक है बेटा ऑनलाइन क्लास तुम्हारा चालू है तो ठीक है मोबाइल ले लो. तो उसने मोबाइल देख लिया हाथ में और फिर ऑनलाइन वीडियो भी मतलब चालू था. फिनिश हो गया लेक्चर, पापा तो चले गए उनके बेडरूम में. तो उसने फिर गेम प्ले करना शुरू कर दिया. यस मोबाइल में आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना. मैं आपके मम्मी पापा से आपके मम्मी पापा को बोलूँगा कि आप लोग है ना इनका लेक्चर का टाइम यही है तो आप लोग फिर उसके बाद मोबाइल मतलब आप लोग को भी यानी दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके लेक्चर फिनिश हो जाए देन आप अपने मम्मी पापा को मोबाइल रिटर्न कर दो. तो वो बच्चों ने क्या किया पता है, मोबाइल में गेम प्ले करने लगे. फिर कुछ मैसेज आया होगा कि ये गेम को आपको परचेस करना है, मीन्स खरीदना है, तो मनी चाहिए, पैसे चाहिए. तो उसने क्या किया, अपने पापा का जो ATM कार्ड था ना, यस हाँ, वो ले लिया, उसकी फ़ोटो कैप्चर की और फिर सेंड कर दिया. ये तो बहुत सिंपल है, हम लोगों को तो आता ही है ना फ़ोटो वगैरह कैप्चर करना वीडियो. वो जो था बॉय उसने ऐसा किया, सामने से जो था मतलब उसने फ़ोटो
देखी और उनके पापा के अकाउंट में से कुछ प्रोसेस होगी, सारे पैसे निकाल लिए। देखो बेटा, अपने लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोग बहुत अच्छे हो ना, ओके। ये एक्चुअली मैंने देखा ना, इसीलिए फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा। मतलब इससे हम लोग को ये मतलब सीखना है कि हम लोग को ऐसा कभी कुछ नहीं करना है, ओके। कभी किसी का भी फ़ोन आए ना, सीधे पापा को फ़ोन दे दो, पापा कोई अंकल का कोई आंटी का फ़ोन है, ठीक है, आप जानते हो तो बात कर लो, वो बात अलग है। बाकी तो हम लोग को ऐसे कुछ नहीं करना है, कोई भी कार्ड की या कोई बैंक का ऐसे कोई भी डिटेल्स हम लोग को कुछ भी जो है ना वो सामने वाले किसी भी इंसान को नहीं बताना है। मे बी पॉसिबिलिटी है ना, मम्मा पापा घर पे ना हो, आप फ़ोन रिसीव करो, कोई कुछ पूछे, और मम्मा मानो कि मम्मी पापा का जो बैंक का कुछ है मतलब बुक वगैरह वो ड्रॉवर में रखा हो और आपने कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं करना, ओके बेटा। नाउ कम बैक, ओके, चलो हम लोग कुछ मैथ में मैजिक कर लें, ओके। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, ओके। सी, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, यस, ये क्या है, ओके। आप लोगों को कार लग रही है ना, लेकिन स्टूडेंट्स ये कार नहीं है, एक्चुअली ये स्मॉल बस है। सी, यहाँ पे नाम लिखा है ना, देखो यहाँ पे नेम लिखा है परफेक्ट बस। ये स्टूडेंट इट इज किड्स बस, किड्स यस, बच्चों की बस है। तो मैं आप लोगों को ये जो दिखा रहा हूँ ना उसको आप देखिए, और मुझे बताना है किस टाइप में आप लोग देख लो। यस, इसका आप लोग राइट साइड या लेफ्ट साइड देख रहे हो ना, ओके। नाउ आई एम मूविंग दिस बस, अब आप इसका कौन सा साइड देख रहे हो बच्चों? यस, फ्रंट साइड, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग इसका फ्रंट साइड देख रहे हो ना। नाउ अगेन आई एम मूविंग दिस बस, नाउ अब ये कौन सा साइड दिख रहा है आपको? यस, वेरी गुड, बैक साइड, राइट। पहले हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको जो कैमरा में दिखता होगा, राइट, फिर आपने फ्रंट साइड देखा, देन ये बैक साइड, ओके। स्टूडेंट्स अब ये बस का एक्सीडेंट होने वाला है, मैं मैजिक करने वाला हूं। डिश हो गया, बस तो पूरी उल्टी हो गई ना। यस, कौन सा साइड दिख रहा है बेटा ये? यस, ये बिलो साइड है ना, यस यस, ओके। चलो अब मैजिक करके बस सीधी हो जाएगी, हो गई ना बस सीधी, ओके। अच्छा अब ये कौन सा साइड है? नाउ यस यस, दिस वन इज टॉप साइड ऑफ दिस बस, ओके। तो हम लोग ने बस को अलग अलग साइड से देखा ना, देखो हमने राइट और लेफ्ट साइड जो दिख रहा है वो राइट या लेफ्ट आप लोगों को जो भी मतलब दिख रहा है कैमरे में वहाँ पे, ठीक है। देन हम लोग ने फ्रंट साइड देखा, देन हम लोगों ने बैक साइड देखा, राइट। स्टूडेंट्स आप लोगों को गर्मी लग रही है वहाँ पे? यस, ओके। सी, एक्चुअली मुझे तो बहुत गर्मी लग, मतलब एटमॉस्फेयर भी कितना एकदम हॉट हो गया ना, यस, रेनी सीजन है, राइट, बट बारिश गिरती लेकिन बहुत गर्मी, ओके। कम स्टूडेंट्स, हम लोग को ये जो फ्रंट साइड है, राइट साइड है, टॉप साइड है, देन ये यस यस, ये कौन सी साइड है? एकदम लास्ट में नीचे ये साइड, ये बिलो साइड है। तो हमने ये जो कार, सॉरी कार मीन्स वन टाइप ऑफ बस, ओके सी, ये बस है। तो हम लोग ने इसके जो डिफरेंट साइड्स हमने देखे, ठीक है, कौन कौन से साइड्स देखे हमने? सबसे पहले मैंने आप लोगों को कौन सा साइड्स दिखाया? यस, ओके, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, देन टॉप साइड, देन यस बिलो, डिफरेंट साइड्स हमने देखे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने डिफरेंट साइड्स देखे ना वो हम लोगों ने कहाँ कहाँ से देखे? यस, अलग अलग साइड से देखे ना। तो ऐसा ही हमारा एक चैप्टर है, और हमारा चैप्टर वन हम लोग को इसके बारे में ही यहाँ पे लर्न करना है, ओके। चैप्टर वन, उसका नेम क्या है आप लोगों को पता है? वेयर टू लुक फ्रॉम, वेयर टू लुक फ्रॉम, ओके। हम लोग कहाँ कहाँ से जो चीज दिखते वो हम लोग को देखना है। सी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अनदर पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, बहुत 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 मैजिक है चैप्टर में, मजा आएगी आप लोगों को, कुछ न्यू यहाँ पे है सीखना है, ठीक है। एंड आई विल लर्न यू समथिंग न्यू इन दिस सब्जेक्ट, ओके। सी,
ओके सी स्टूडेंट्स, आई एम अगेन ड्रॉइंग अ कार। ओके मैं यहाँ पे कार ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग से अच्छी मेरी पेंटिंग नहीं है, प्लीज डोंट लाफ स्टूडेंट्स। ओके ओके आप लोग हंसी आप तो हंस लेना, लेकिन मैं एक अच्छी कार ड्रॉ करता हूँ। ठीक है देखिए, ओके तो ये मैंने कार ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कार जो है वो भी राइट और लेफ्ट साइड से दिख रही है। एक बॉय है, इस उसका नाम जो है ना अंशुल है। क्या नाम है उसका? अंशुल। तो अंशुल ने की कार ड्रॉ की थी, मुझे दिखाया कि सर मैंने कार ड्रॉ की है। ओके बेटा, तो मैं उसकी भी कार, उसने किस तरह की कुछ कार। एक और एक बॉय है धीरज नाम है उसका, ठीक, उसने भी कार ड्रॉ की है, लेकिन उसने कुछ इस साइड से ड्रॉ की है। सी स्टूडेंट्स, कुछ अलग सा पिक्चर लग रहा है ना? यस, समथिंग ऐसा लग रहा है, स्मॉल बॉक्स कैप्टिंग बिग बॉक्स। यस, कोई छोटा सा जो बॉक्स है उसमें, तो ये भी कार ड्रॉ की है उसने। हु ड्रॉ दिस कार? धीरज। यस धीरज भी कार ड्रॉ की है। दोनों आए मेरे पास, हम मुझे बताया इन लोगों ने, तो मैंने बोला कि धीरज ये आपकी कार है, अंशुल ये आपकी कार है। अंशुल लाफिंग, यस अंशुल मतलब बोले धीरज ये कैसी कार तूने ड्रॉ की है। देन धीरज टोल्ड मी सर एक्चुअली आई एम लिविंग इन फ्लैट। ओके तो वो टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, यानी ऊपर से उसने देखा कार, तो उससे नीचे देखा ना, तो ऐसा दिखा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा ना? यस यू आर माय स्टूडेंट्स। ओके तो आप लोगों को पता चल गया ना बेटा? ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसका टॉप साइड दिखाया था ना, तो धीरज ने जो कार देखी ना उसको इस तरह से देखी। धीरज ऑल्सो राइट, मेरी कार है। एंड अंशुल ने कहाँ से देखी होगी? उसने साइड में से बाहर ऐसे देखी, उसको ऐसे दिखी, तो ये दोनों पिक्चर सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था राइट टू लुक फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि हम लोग अलग अलग थिंग्स जो है ना कहाँ से अलग अलग से देखते देखते तो कैसे टाइप का दिखता है। तो ऐसे देर आर सो मैनी थिंग्स लाइक अ डस्टर, आप लोग अभी इस तरह से दिख रहा है, अभी देखो इस तरह से दिख रहा है, राइट। ऐसे स्टूडेंट में और भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बता रहे कौन कौन से साइड से ये दिख रहा है। ठीक है चलो, मैं ना अभी स्टेयरकेस पे होता हूँ। स्टेयरकेस आप समझते हैं ना, सीढ़ी बोलते हैं ना हम लोग। यस कौन सी साइड है ये? राइट और लेफ्ट साइड, राइट। ओके नाउ दिस वन, ऐसा लग रहा है ना सी, यहाँ पे मैं बड़ा सा गैप देख रहा हूँ। ओके ये भी स्टेयरकेस है, ये भी सीढ़ियाँ है ना, ये कोई गेट है, तो ये राइट साइड हुआ। कौन सी साइड है? राइट और लेफ्ट। ठीक है चलो हम लोग इसको राइट साइड बोलते हैं। ओके राइट साइड है ये फ्रंट साइड है। यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये कौन सा साइड है? फ्रंट साइड से। ठीक है मैंने आपको कार बताई बस, स्टूडेंट्स एक और मैं आपको चीज बताता हूँ। ठीक है सी, सबसे पहले मुझे बता रही मैंने क्या ड्रो किया है। ऑब्वियसली यू आर ऑल टेलिंग मी स्टूडेंट्स, आप लोग बोले, सब लोग मुझे बोलने वाले हैं ना, आप लोग बोलोगे सर रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है? टेबल है। यस सर ये कैसा टेबल है? सी
अब बताओ ये टॉप साइड भी है और राइट साइड भी है, यानी टॉप राइट साइड ऐसे, मतलब पूरा टॉप नहीं है लेकिन आप लोगों को कुछ राइट साइड से दिख रहा है ना, तो मैंने सिर्फ टॉप साइड, टॉप व्यू है ना, डिफरेंट टॉप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ओके। ये इसका कुछ व्यू अलग है, इसका व्यू अलग है, इसका ये बोथ आर टेबल, यस ओके स्टूडेंट्स। हम लोग और भी मतलब चीजें, जैसे मैं आपको देखो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप लोग घर में प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर को ऊपर से देखना, कुछ राउंड शेप में दिखेगा उसके ऊपर वो जो यस क्या बोलते उसको यस यस है ना, तो वो जो सीटी भी बजती है ना बस, वो कैसा दिखता है। और भी मतलब राइट लाइक पेंसिल, यस जैसे ये मेरी पेन है, तो देखो ये पेन आप लोग को किस टाइप दिख रही है, यस अब किस टाइप पे लिख रही है, ओके देन। तो स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में अभी कुछ लर्न करेंगे और भी, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। सी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मैं एक और नई चीज बता रहा हूँ, देखो बेटा सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना ना, बहुत अच्छे बच्चे हो ना, बहुत दिनों के बाद हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, ओके 3-4 महीने बहुत लंबा वैकेशन मिला है ना हमको, तो अब यहाँ पे भी हम लोग को स्टडी भी कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड स्टडी इज ऑल्सो अवर पार्ट, ओके। आप स्टडी करोगे तो भी बहुत आगे बढ़ोगे ना बेटा, ठीक है ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या चीज मुझे बता रहा क्या है ये, देखो यहाँ पे कुछ सर ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, कुछ यहाँ पे ध्यान दो सर दो, कुछ एकदम डिफरेंट लग रहा है ना, सी Yes, who will tell me क्या है ये, एक पिक्चर ड्रॉ किया, अनदर पिक्चर भी मैंने ड्रॉ किया, अब और ही कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, अब जो ड्रॉ करूँगा ना उससे आपको 100% पता चल जाएगा ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये खाली मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, ये थ्री थिंग्स है ना वो कुछ अलग है, लेकिन ये जो है ना क्या है, यस 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 बेटा यस, ये रंगोली है। हाँ स्टूडेंट मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ ना, एंड दैट स्टोरी इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है स्मॉल स्टोरी। आप लोग को पता है ना हमारा इंडिया, हमारा जो देश है, हमारा कंट्री, उसमें 28 स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, पहले 29 थे और अभी कितने हो गए, 28 हो गए, ओके। तो उसमें से हम लोग कौन से स्टेट में रहते हैं, गुजरात में, कौन से स्टेट में रहते हैं बेटा, गुजरात में रहते हैं। ऐसे ही जो इंडिया जो है ना हमारा इंडिया, इस टाइप में कोई इंडिया है लास्ट में, ऐसे मतलब जो साउथ डायरेक्शन बोलते हैं उसमें एक डिस्ट्रिक्ट सॉरी एक स्टेट है, दैट इज नेम इज तमिलनाडु, यस तमिलनाडु करके एक डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ऐसी रंगोली रोज बनाते, यस डेली दे मेक रंगोली एवरी डे स्टूडेंट्स, रोज ये लोग रंगोली बनाते हैं। एंड आप लोग को पता है वो रंगोली कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ये दो मैं रखता हूँ, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, यस वो लोग डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स के हेल्प से वो लोग रंगोली बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स में। देखो मैं आप लोग एक स्मॉल पिक्चर दे रहा हूँ,
ध्यान देना। सी, मैं यहां पे है ना एक रंगोली बना रहा हूं, देखो कौन सा स्टेट बोला मैंने, तमिलनाडु। तमिलनाडु में रोज क्या वो लोग बनाते हैं अपने आंगन में, या उनका जो घर है ना, घर के बाहर बालकनी वगैरह में लोग रंगोली बनाते हैं विद यूजिंग ऑफ डॉट्स। यस, तो हम लोग यहाँ पे उसके बारे में अभी कुछ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, सी मैंने अभी ये जो ड्रॉ किया उसके लिए सही है। ओके चलो एक अनदर हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे डॉट्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लग रही ना कोई डिजाइन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, विद यूजिंग, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको और भी बताऊंगा। सी स्टूडेंट्स देखिए, यस दिख रहा है ना ये रंगोली, ये स्टूडेंट्स ये है ना, ये मीनाक्षी है। सी ये कौन है, मीनाक्षी, और मीनाक्षी जो है ना वो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट में रहती है। तो ये मीनाक्षी ने कुछ रंगोली जो है ना वो कुछ रंगोली यहाँ पे उसने ड्रॉ की है, दिख रहा है आप लोगों को। यस, अब ये जो रंगोली है उसने कैसे बनाई है, सी यहाँ पे लिखा है ना, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। सी स्टूडेंट्स यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, ओके आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखो, आप लोगों को और अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट, अब ये डिफरेंट डॉट्स है, दिख रहा है आप लोग को सबको डॉट्स। यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, सी मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ। यस स्टूडेंट्स सी, मैंने अभी जो स्टेयरकेस बनाई थी ना, यस ये तो ये बताइए मुझे, ये स्टेयरकेस जो है कौन सा व्यू ये दिख रहा है हम लोग को। यस ये राइट साइड, ओके देन ये फ्रंट साइड, ये जो टेबल दिख रहा है ना आप लोग को, ये टेबल कौन सा साइड है, ये टॉप साइड। देन ये बस है, वो बस कौन सी साइड है, कौन बताएगा, यस राइट साइड। हाँ यस बेटा राइट साइड बोलो, लेफ्ट साइड एक्चुअली क्या नहीं, ये पिक्चर है। और आप लोग देखो यहाँ पे खड़े हो ना, तो हम लोग सॉरी अब यहाँ पे है तो ये हम लोग को बस के राइट साइड ही बोलेंगे इसको, लेफ्ट साइड ओके। देन ये पेंसिल है, पेंसिल दिख रही ना, अभी मैंने आपको पेन दिखाया था ना मेरा मार्कर पेन, यस कौन सा साइड है ये, कहाँ से, यस ये बिलो साइड है। देन ये चेयर, तो यहाँ पे ही आप लोग को लिखना है, ओके चलो ठीक है, मैं बाद में एक्सरसाइज करवा दूंगा और आप लोग भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बीच बीच में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक स्मॉल होमवर्क आपको करना है आज, अभी और भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सी क्या लिखा है यहाँ पे, ओके सी यहाँ पे स्टूडेंट्स, ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। ठीक है, कुछ आप लोग को टॉप व्यूज बनाना है, ये क्वेश्चन है ना, ये जो स्टेयर के नीचे यहाँ पे आप लोग को कुछ 3 to 4 पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे घर में भी देखिए, हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती लाइक टीवी भी देख सकते हैं, फैन, तो फैन का हम लोग को बिलो साइड दिखता है ना नीचे का साइड, आप टेबल देखिए ऐसे बहुत, तो आप लोग को 3 to 4 चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, फिर अपने फ्रेंड्स से पूछो, फ्रेंड्स नहीं हम लोग अभी फ्रेंड्स को तो मिल नहीं सकते, नो प्रॉब्लम एंड नॉट एन इश्यू स्टूडेंट्स, ओके आप अपने घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स उनको पूछो ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो क्या दिखता है आपको, कौन सी साइड से दिखता है ऐसे। तो अभी आप लोग को ये एक होमवर्क में ये चीज़ करनी है। ठीक है, देन एक दूसरा मैं आप लोग को एक दिखा रहा हूँ, ये अभी जो मैंने रंगोली ड्रॉ की ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बाजू में आपको कुछ डॉट्स दिए हैं ना, जैसे मीनाक्षी ने कुछ रंगोली ड्रॉ की है,
ऐसे आप लोग को भी ये डॉट्स को यूज़ करके कुछ ऐसे पिक्चर्स, कुछ अलग पैटर्न बनानी है। सी देखो, आप लोगों को कुछ डिफरेंट पैटर्न आता है देन यू कैन ड्रो, अदरवाइज यू हैव टू ड्रो सेम ओके लाइक दिस। लेकिन आपको ड्रो तो करना है, ठीक है बेटा। देखो आप इसको भी देखते कि यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ओके आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ओके। तो आप इसको देखो, यदि आपको फिर और भी कुछ डिफरेंट टाइप में आता है तो उसको सी। स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा हो ना, तो पहले कलर ऑफ पेज ले लो नोटबुक में और उसके अंदर आप ड्रॉ करो, ओके बेटा। सी अभी जो मैंने आपको कार बताई थी ना, धीरज कार, देन अंशुल कार, देन टेबल, ओके ये रहे सब डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके पीछे यहाँ पे देखिए, बैक साइड में भी है, सी दिख रहा है ना। सी सुन, आप लोग को आज तीन चीज होमवर्क में करनी है। फर्स्ट मैंने आपको बताया ये जो है इसको लिखना है, ठीक है, यस ठीक है। चलो ऐसा आप नहीं लिखोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग को लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ये जो है वो आपको रंगोली मेड करनी है। देन ये जो है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी डॉट्स से बना हुआ है, यस ये सारे डॉट्स जो होते हैं ना, ये डॉट्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न डिज़ाइन सेम, इसको देख देख कर आप लोग को यहाँ पे करना है, करोगे ना बेटा। सी एंड स्टूडेंट्स लिसन, जब भी है ना स्कूल ओपन होगी ना, मैं सबका होमवर्क देखने वाला हूँ, सबकी बुक मैं चेक भी करूँगा, ओके। तो ये जो आप लोगों को दिख रही है ना स्टेयर केस स्क्वायर टाइप में कुछ ऐसे, इसमें कुछ ऐसी पैटर्न है जो एकदम लाइन टू लाइन जा रही है। देखो अभी ये जो फ्लावर मैंने बनाया था ना, उस टाइप का कुछ फ्लावर है। फिर ये डिज़ाइन भी कितनी सुपर्ब दिख रही है, इसको आप लोग देख देख के यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स, और आप लोग खुद भी कर सकते हो, ओके। तो बेटा मैं आप लोगों को सबको फिर से बता देता हूँ, हमारी जो स्टडी है ना वो चालू हो गई है। तो आप लोग जब प्लेइंग टाइम हो तो आप लोग गेम वगैरह कुछ भी जो प्ले करते हो आप खेल सकते हो। वेन एवर अवर लेक्चर स्टार्ट, तो जब भी हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होता है ना, हमारा जो पीरियड है मैथ्स है, इंग्लिश है, एनवायरमेंट है, एनी सब्जेक्ट, आप लोगों को सबको उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करना है। और आज मैंने आप लोगों को तीन चीज़ होमवर्क में दिए ना, फर्स्ट वन वो जो पिक्चर दिया था ना स्टेयर केस बस वगैरह, यस यस उसको लिखना है, कौन सी साइड से दिखता है वो, ठीक है। अभी मैंने बता दिया ना, राइट साइड से, टॉप साइड से, लेफ्ट साइड से, फ्रंट साइड से। देन अनदर वो जो मीनाक्षी थी ना तमिलनाडु, ये जिसने रंगोली बनाई थी वो करना है। एंड थर्ड वन जो बैक साइड में थी अभी मैंने बताया वो करना है। ये तीनों चीज़ आज आपको होमवर्क में करनी है, ओके बेटा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे, ओके बाय, टेक केयर बेटा, ओके बाय।